मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो एलोपैथी की दवा खाएं। एलोपैथी की दवाएं मैंने आपको बताया ठंडे देश में रहने वाले लोगों के हिसाब से बनाई गई है, इसलिए सभी दवाएं गर्म है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठंडे लोगों के रहने वाले देश के हिसाब से बनाई गई दवाएं हैं, इसलिए सभी दवाएं गर्म हैं। और गर्म देश में रहने वाले इन गर्म दवाओं को खाएं तो भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं उनके। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से भीलवाड़ा में देख रहा हूं, जिसने भी चिकनगुनिया के लिए एलोपैथी की दवा खाई है अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। अभी भी यहां कंधे दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, खाना निगल नहीं पा रहे हैं, ये पांव सूज रहा है, ये घुटना सूज रहा है। और जिन्होंने ये एलोपैथी की न खा के 3 दवाएं ही सिर्फ होम्योपैथी की खाई है, वो 2-2 दिन में ठीक होकर काम कर लग गए। यहीं से समझ लीजिए इस बात, एलोपैथी की हर दवा साइड इफेक्ट करती है। एलोपैथी में इस समय अमेरिका में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डीन ओर्निश, उसने तो चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू किया है कि एलोपैथी में कोई दवा ही नहीं है, यहां तो सिर्फ जहर ही जहर है, खा के मरना चाहो तो मरो। वो खुद ही कहता, चिल्ला चिल्ला के कहता। और आजकल डीन ओर्निश पूरे अमरीका में घूम घूम के, वो आपको मालूम है MD है, MBBS MD है, और वो गांव गांव घूम रहा है अमेरिका में और शिविर लगाता है, और वो शिविर में यही सिखाता है दवा मत खाओ। और तो फिर क्या करो, यही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं वो बताता है। बस इतना ही अंतर है कि वो ये बताने का $500 लेता है पर पेशेंट, मैं आपको फोकट में बता के जा रहा हूं। यही बताता है, पानी को गुनगुना करके पियो, पानी को सिप करके पियो, सवेरे उठ के पानी पियो, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। डीन ओर्निश को एक बार मैंने ईमेल किया, भाई तुमको ये सब पता कैसे चला, क्या तुमने आयुर्वेद पढ़ा? उसने कहा नहीं, अमेरिका में एक भारत से संत आए थे स्वामी शिवानंद, उनसे उसने सीख लिया सब। शिवानंद जी का नाम आप सबने सुना, महान तपस्वी, महान योगी, वो बहुत दुनिया में घूमते रहे और सबको यही सिखाते रहे, आयुर्वेद, योग और प्राणायाम। तो स्वामी शिवानंद के बहुत व्याख्यान उसने सुने डीन ओर्निश, और सब नोट कर लिया उसने और वो चालू कर दिया। शिवानंद जी ने तो मुफ्त में सिखाया था, वो एक एक पेशेंट से $500 कमा रहा है, करोड़पति हो गया। और स्वामी शिवानंद ने ये जो नुस्खे दिए हैं वो उनके नहीं है, आयुर्वेद के हैं, हजारों साल पहले के हैं। और हजारों साल से अगर ये नुस्खे चले आए हैं तो कोई तो दम होगा, वरना 10-20 साल कोई चीज नहीं टिकती है दुनिया में। तो इनमें बड़ा दम है, इन्हीं का पालन आप करिए। मैं भी यही करता हूं इसलिए बीमार नहीं हूं, आप भी करेंगे आप भी स्वस्थ रहे। तो एक तो हिस्सा है स्वस्थ रहने का, दूसरा हिस्सा है जो गलती से बीमारी आ गई तो क्या करें। तो एलोपैथी की दवा तो बिल्कुल मत खाइए, कोई भी बीमारी आए चाहे कैंसर ही क्यों ना आए।